back to my channel. It's Indian Girl Channel Trisha, or as you know, मैं हूँ त्रिशा. सबसे पहले आप सबको Happy Holi in advance. होली सामने ही आने वाली है और होली में मैं बहुत enjoy करती हूँ. Hope so आप सब भी करते होंगे. बिल्कुल कीजिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोई भी harmful chemical colors होली के time मत use कीजिए और हमेशा अपने skin and hair को protect कीजिए during होली. Even मेरी आज की video भी इस बारे में है कि आप कैसे अपने skin and hair को protect कर सकते हैं होली के time and after होली आप कैसे अपने skin and hair की take care कर सकते हैं. So let's check the video. होली खेलने जाने से पहले अपने स्किन में एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक एक साथ मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कीजिए. मैं कभी भी अपने फेस पे ऑयल अप्लाई करके बाहर जाना प्रेफर नहीं करती हूँ. वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली होली से पहले हम लोग बहुत सारा सेल्फी एंड फ़ोटोशूट सेशन चलता है, तो उसमें आपका स्किन डल दिखेगा अगर आप ऑयल अप्लाई करेंगे. तो मॉइस्चराइज़र एंड सनब्लॉक मुझे लगता है बेस्ट चॉइस है, और ये आपके स्किन को सन से भी प्रोटेक्ट करेगा और हार्मफुल केमिकल कलर से भी. अपनी फुल बॉडी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी ऑयल, स्पेशली कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल ज़्यादा अच्छा रहता है, अपनी बॉडी में अप्लाई कर लीजिए. होली के टाइम आप हमेशा कोशिश कीजिए फुल स्लीव ड्रेस पहनने की. अपने लिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूर लिप बम अप्लाई कर लीजिए. होली खेलने से पहले अपने नेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूर नेल पॉलिश अप्लाई कीजिए. नेल्स के इस पार्ट में भी वैसलीन अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के कलर रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. होली की पहले दो दिन कोशिश कीजिए अपने हेयर को शैम्पू से वॉश ना करने की, क्योंकि इससे आपके स्कैल्प से जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है वो नेचुरल ऑयल आपके स्कैल्प एंड हेयर को प्रोटेक्ट करता है. होली खेलने से मिनिमम 1 आवर पहले अपने स्कैल्प एंड हेयर में कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लीजिए. कोकोनट ऑयल आपके हेयर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करेगा जो हार्मफुल केमिकल कलर से आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगा और आपकी हेयर ड्राई एंड डैमेज भी नहीं होगी. खुले बालों में होली मत खेलिए. कोशिश कीजिए आपके हेयर को टाई करने की, बन या फिर ब्रेड बनाने की. इससे भी काफ़ी हद तक आपके हेयर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे. होली के कलर्स अपने हेयर लाइन से रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वैसलीन लेके अपने हेयर लाइन में अप्लाई कर लेना. होली के कलर से अपने हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कलरफुल स्कर्फ या फिर दुपट्टे से अपने हेयर को आप कवर कर सकते हैं. इससे आप स्टाइलिश भी दिखेंगे और आपकी हेयर्स भी प्रोटेक्टेड रहेगा. होली से पहले 3-4 दिन और होली के बाद के 3-4 दिन तक फेशियल, ब्लीच एंड वैक्सिंग मत कीजिए. होली के बाद हेयर को वॉश करने के लिए सबसे पहले हेयर को नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए और उसके बाद 2 बार शैम्पू कीजिए, फिर कंडीशनर अप्लाई कर लीजिए. एक ही दिन में बहुत बार शैम्पू करना बिल्कुल ठीक नहीं है. होली के बाद आपके हेयर्स ड्राई हो सकते हैं, इसलिए इस टाइम आप कर्ड प्लस हनी प्लस कोकोनट ऑयल मिक्स करके एक हेयर पैक बना के अपने हेयर में अप्लाई कर सकते हैं. इससे आपके हेयर के ड्राइनेस कम होगी. आप चाहे तो मेरे चैनल को भी चेक कर सकते हैं, इसमें रफ हेयर के लिए बहुत सारा रेमेडी है. फेस से कलर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए, उसके बाद क्लींजिंग मिल्क या फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके कॉटन के टिश्यू से क्लीन कर लीजिए. इसके बाद फोमिंग फेस वॉश यूज़ कीजिए और मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए. अगर इसके बाद भी होली का कलर पूरी तरीके से ना उतरे तो आप दही प्लस हनी ऐड करके एक पैक बना के अपने स्किन पर अप्लाई कर लीजिए
और 20 मिनट रखने के बाद उसे वॉश कर लीजिए। इससे आपके कलर्स भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज हो जाएगी। होली के बाद अगर आपकी स्किन इरिटेटेड हो जाए, आपकी स्किन में रेडनेस एंड इचीनेस फील हो, तो आप क्यूकम्बर जूस मतलब खीरे का जूस, रोज़ वाटर एंड एलोवेरा जेल को ऐड करके फ्रिज में रख दीजिए और उसे ठंडा होने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करके 20 मिनट तक रख के वॉश कर दीजिए। इससे आपकी इरिटेटेड स्किन सूद हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी हेल्प हो। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।